हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सकलानी. सो DSSSP द्वारा एक आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई है. दैट इज द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की. और टोटल इसमें जो वैकेंसीज हैं दैट इज 89 टोटल वैकेंसीज हैं. लेवल 6 की ये जॉब है. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए. इसका 9th जनवरी से ही एप्लीकेशन जो डेट है वो स्टार्ट होने वाली है. तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए. जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, 200 क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके. ठीक है, 200 क्वेश्चंस में भी है. 100 क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे आपके सिंपल जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होने वाले हैं. और बाकी 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका प्योर एग्रीकल्चर से आने वाले हैं. तो उसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना, वो हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो पहले हुआ था. ठीक है, वैसे दो टीयर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, Tier 1 और Tier 2. ठीक है, तो पहले Tier 1 होगा, फिर Tier 2 आपका. तो जल्दी से इसका क्या करते हैं, हम आज का पेपर इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी. ठीक है, आई होप ये विजिबल होगा आपको अच्छे से. ठीक है, तो फटाफट से हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. वैसे सिंपल से ही जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल मैं एग्ज़ाम का कहूँगी. इसमें वन लाइनर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा इज़. तो माइकोराइजा हमें पता है क्या होती है, बेसिकली फंगस होती है जो कि हायर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ एसोशिएट होती है. रूट्स के साथ एसोशिएट होकर क्या करती है, ये जो सरफेस एरिया है ऑफ रूट एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज करती है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या था ऑप्शन आपका, रिलेशनशिप ऑफ फंजाई विद हायर प्लांट्स वॉज दी करेक्ट आंसर. ठीक है, इसका जो PDF है वो भी मैं इसमें लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है 102. ठीक है, क्योंकि पहले के 100 क्वेश्चंस आपके दूसरे सेक्शन के थे, सेक्शन 2 है आपका. फादर ऑफ बॉटनी, सो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस है. फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है आपका, एरिस्टोटल है. ठीक है, नेक्स्ट इज काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ. सो काइटिन किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, फंगस की सेल वॉल में. और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनमें सेलोज और की हमारी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 104, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जनरली जो एक्वेटिक बॉडीज होती हैं वहाँ पर. जितना भी हमारा सी वाटर है वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स जनरली प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक लेवल देखिए फूड चेन में क्या होता है, पहले हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं फिर कंज्यूमर्स होते हैं. तो ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स हैं, फूड चेन बनाते हैं कहाँ की, मरीन जो हमारा फूड चेन होती है वहाँ पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th आपका था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, विटेकर ने दिया था. कौन से ईयर में पूछा गया, किसने दिया था वो तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा, कौन से ईयर में दिया गया था, दैट वाज इन 1969 वाले ईयर में ये दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज पोजिशन ऑफ पोजिशन बाय 2 or more स्पीशीज. ये थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा बॉटनी टाइप का आपका ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो, बॉटनी से ज़्यादा रिलेटेड या जूलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है क्वेश्चन. पोजिशन बाय 2 or more स्पीशीज ऑफ अ सिमिलर आइडेंटिकल कैरेक्टर स्टेट दैट हैज़ नॉट बीन डिराइव्ड बाय बोथ स्पीशीज फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर. यानी कि दो अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं, उनमें कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सिमिलर है लेकिन उन्होंने वो अपने एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर से डराइव नहीं किया है. ठीक है, उनमें अपने आप ही डेवलप हुआ है. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है होमोप्लासी कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट इज राउल्फिया सर्पेंटीना, यानी कि सर्पगंधा. ठीक है, सर्पगंधा कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, एपोसाइनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है. और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर
एरिया, यानी कि कभी भी सक्सेशन होता है ना किसी भी एरिया में, कोई हमारा एरिया है जहाँ पर इससे पहले कोई भी प्लांट स्पीशीज़, कोई प्लांट कम्युनिटी ग्रो नहीं करी है, तो सबसे पहले कौन सी वहाँ पर स्पीशीज़ ग्रो करती है उसको कहा जाता है पायनियर स्पीशीज़, यानी कि जो सबसे पहले वहाँ पर इन्वेड करेगी लैंड एरिया, ठीक है। उसके बाद जनरली ये लाइकन्स होते हैं, उसके बाद आगे आगे बढ़ता जाता है और फिर लास्ट में फॉरेस्ट हमारा बन जाता है, जो पूरी नेचुरल वेजिटेशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द टिप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड आपने अलग अलग टाइप के देखे होंगे, बायोमास का पिरामिड होता है, ठीक है, आपका एनर्जी का पिरामिड बनता है। तो एनर्जी के पिरामिड में भी आपने देखा होगा टॉप मोस्ट कौन एक्वायर करता है, दैट इज द कार्निवोरस। जितने भी हम पिरामिड्स बनाते हैं उनमें कार्निवोरस सबसे टॉप में होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी इज यूजफुल। सो पॉली एम्ब्रियोनी क्या कंडीशन होती है, जब एक ही सीड के अंदर बहुत सारे अलग अलग एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं, और जब आप सीड का जर्मिनेशन करने जाएंगे तो उसमें क्या है, एक साथ बहुत सारे सीडलिंग्स निकलेंगे, उस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट। किस किस में ये पाई जाती है, आपकी मैंगो में, सिट्रस में और जामुन में ये कंडीशन पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पर मैंगो होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, टर्मिनल सेल ऑफ द टू सेल प्रो एम्ब्रियो डिवाइड्स बाय लॉन्गिट्यूडनल वॉल। तो क्या होता है, देखो हमारा कभी कभी जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है ना, एम्ब्रियो बनता है टू सेल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। सपोज ये एम्ब्रियो है इनिशियल स्टेज में ही, तो टू सेल्ड एम्ब्रियो जब बनता है प्रो एम्ब्रियो, इसके बाद क्या होगा, इसमें फर्दर डिवाइड होगा और फिर जाके ये नया जो भी एक नया प्लांट है वो बनाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होती है, एक टर्मिनल सेल होती है और दूसरी हमारी होती है बेसल सेल, ठीक है, बेसल सेल और टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल में जब बाइफर्केशन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल वॉल से, और जो हमारी बेसल सेल है वो भी प्रेजेंट, वो डिवाइड नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाला हमारा डिवाइड हो रहा है, और बाद में ही ये क्या है, एक नया प्लांट बनाएंगे, नया एम्ब्रियो पूरा डेवलप करेंगे। सो इस तरह का जो ये डिवाइड होता है, ये जो पूरी पूरी प्रोसेस है, ये किस टाइप की होती है, हमारी कैरियोफाइलेड टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर क्या होता है, ऐसे स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड नहीं कर रही होती है, थोड़ा आप बोल सकते हो डॉर्मेंट स्टेज में रहती है। तो ये कहाँ पर जनरली पाई जाती हैं, आपके रूट के टिप में ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया में जब सिंथेसिस होता है एटीपी का, कहाँ पर, ईटीएस सेल, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं हमारे, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन जाता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आपका जाके बोल सकते हो, फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर क्या होता है, फाइनली जो हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। सो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट बनता है वो कहाँ पर होती है, हमारे पेरोक्सीजोम्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, वी हैव मैनिटॉल। मैनिटॉल किस टाइप का आपका एक मॉलिक्यूल है, इट्स बेसिकली शुगर एल्कोहल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसको किस कैसे यूज़ करते हैं हम, दिस इज बेसिकली यूज्ड एज अ स्वीटनर के रूप में, या फिर मेडिकेशन में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जब होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे हम, फटाफट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट हो। आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या इसके पॉसिबल आंसर्स थे, यानी इसके आंसर्स क्या क्या थे, ठीक है। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए फिलहाल, ताकि जितना भी आपके पास टाइम बचे वो आप फर्दर यूज़ करें नई चीज़ें पढ़ने के लिए और इसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान करने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे पास, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। सो एन पी के और सी ए एम जी एस, ये सारे क्या हैं हमारे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, एम जी एस सल्फर। और इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, जिंक बचा है एक, जो कि हमारा क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। देन वी हैव रूबिस्को। रूबिस्को क्या है, रूबिलोज
बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये दोनों ही प्रोसेसेस, यानी कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बोक्सिलेशन का भी काम करता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मतलब इसमें एफिनिटी तो दोनों के लिए ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है हमारा, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन क्या है, एक प्रोसेस आप बोल सकते हो जिससे हम अलग जो हमारी ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनको उनके कटिंग डाउन कर रहे हैं, फेलिंग डाउन ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ड्यू टू दैट इज सॉइल इरोजन, क्योंकि जो हमारे हायर प्लांट्स हैं, जो भी हमारे ट्रीज हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं अपने रूट्स की वजह से, ठीक है, रूट्स के थ्रू, और जब हम इनको कट कर देते हैं तो वो बाइंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ टोबैको प्लांट। सो टोबैको प्लांट में क्या, किस चीज़ के लिए टोबैको यूज़ किया जाता है, निकोटीन के लिए, और निकोटीन इसका फॉर्म होता है रूट्स में लेकिन स्टोर होता है लीव्स में, तो इकोनॉमिक प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है, लीव्स को हम निकालेंगे और उससे निकोटीन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो द आंसर वुड बी लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 120, UPOV स्टैंड्स फॉर। सो यहाँ पर थोड़ी गलती करने की थोड़ी गुंजाइश है, क्योंकि आपको लगेगा देख के UPOV, अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो आपको लगेगा ए वाला करेक्ट है, यूनियन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल स्पीशीज, लेकिन इसका आंसर क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक है, और ये कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये बेसिकली बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि केमिकल को यूज़ करके क्या करते हैं, इसमें नाइट्राइट्स का यूज़ करते हैं वो, और उससे क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद बनाते हैं लेकिन केमिकल्स का यूज़ करके। दूसरा हमारे पास क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, जो कि प्लांट्स हैं, वो सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, लेकिन ये केमिकल की यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। सो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, द डैश इज नेगेटिव एसोसिएशन अमॉन्ग सॉइल ऑर्गेनिजम्स। सॉइल ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की एसोसिएशन होती है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जब दो तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव हो गया म्यूचुअलिज्म, ठीक है। न्यूट्रलिज्म मतलब कि कोई किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं है एक दूसरे पे, लेकिन एसोसिएशन में है लेकिन किसी तरह का इफेक्ट नहीं कर रहे। कमेंसलिज्म में होता है कि एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, सो दैट इज कमेंसलिज्म। एंटागोनिज्म में क्या होता है, दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्म हो रहा है, या फिर वो कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या किसी तरह से एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, सो दैट इज़ द नेगेटिव वन, ठीक है, एंटागोनिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, वी हैव बायोटेक्नोलॉजी में DNA सीक्वेंस डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड बाय। सो बायोटेक्नोलॉजी में जो भी हम जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो अगर DNA सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर निकाल लें तो कैसे अपने नाम पे उसको पेटेंट बोल रही हूँ मैं, या फिर उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि ये मेरी ही डिस्कवरी है और किसी की नहीं, सो क्या करेंगे, पेटेंट लेंगे उसका, ठीक है। सो पेटेंट इसका करेक्ट होता है, जीन पेटेंट इसके लिए लिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव विच इज़ नॉट अ क्राइटीरिया टू इशू पेटेंट्स फॉर इनोवेशन। सो इनोवेशन, जब कोई हमें पेटेंट लेना होता है किसी भी कोई अपने इनोवेशन करा, तो उसमें कुछ क्राइटीरियाज होते हैं जो मैच करने चाहिए। क्या क्या क्राइटीरिया होते हैं, तीन तरह के क्राइटीरिया होते हैं, एक तो नोवेलिटी, यानी कि ये बिल्कुल नया होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि पब्लिकली नोन नहीं होना चाहिए, और जब तक आपने पेटेंट नहीं ले लिया है तब तक ये किसी और को नहीं बता सकते आप, ठीक है, या शेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ। सो नोवेलिटी होनी चाहिए, यूज़फुलनेस, यूज़फुल होना चाहिए कहीं ना कहीं लोगों के लिए, अगर आपका जो आपने इन्वेंशन किया है वो किसी काम का ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा ना उसका पेटेंट करवा के भी क्या करोगे, तो वो यूज़फुल होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, और इन्वेंटिवनेस इसका है, यानी कि नॉन ऑब्वियसनेस,
यानी कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि और लोग भी इसके बारे में पहले से ही जानते थे और आपने कुछ नया किया नहीं है, तो आंसर इसका क्या होगा, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये तीन जो है उसकी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इंडियन हेड पेटेंट्स ऑफिस, सो इंडिया में जो हेड है पेटेंट्स ऑफिस का वो कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड इन कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हेड ऑफिस है और इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपकी, चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई में इसकी फर्दर ब्रांचेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज ओपियम, सो ओपियम पॉपी से जो निकलता है ओपियम, वो किस कौन से वाले पार्ट से निकलता है बेसिकली। ठीक है, सो जो इसकी कैप्सूल्स होती हैं ओपियम पॉपी की, उन कैप्सूल्स पे क्या है, कट लगाया जाता है, वहाँ से एक लेटेक्स निकलता है और ये लेटेक्स को क्या है, ड्राई करके ओपियम आप एक्सट्रैक्ट करते हो उससे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज अ कंपनी मेंटेन्स कॉम्पिटिटिव एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स विद एन एग्रीमेंट इनफोर्स थ्रू। सो कैसे आप बोल सकते हो कि जो कंपनी है वो अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे आगे रहेगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए उनके पास, एक ट्रेड सीक्रेट होना चाहिए। सीक्रेट रखेंगे तभी तो और उससे डिस्टिंक्ट रह पाएंगे ना। तो ट्रेड सीक्रेट इज अ प्रैक्टिस जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहती है। ठीक है, देन इज थ्री टाइप्स ऑफ पेटेंट्स। सो तीन तरह के क्या क्या अलग अलग तरह के हमारे पास पेटेंट्स होते हैं, तीन तरह के पेटेंट्स क्या हैं आपके, एक तो है आपका यूटिलिटी पेटेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिज़ाइन पेटेंट्स और तीसरा आपका प्लांट पेटेंट्स, जो आप जनरली जो भी प्लांट में एग्रीकल्चर जितने साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट पेटेंट्स के अंदर पेटेंट्स लेते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। वी हैव विच फॉर्म ऑफ डीएनए हेलिक्स इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा एबंडेंटली फाउंड कौन सा टाइप का आपका डीएनए कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज द बीडीएनए। बीडीएनए जो फॉर्म होती है ना, दैट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स या फिर ज़्यादा एबंडेंटली प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। वी हैव लेटेक्स वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कौन से एलिमेंट या फिर आप बोल सकते हो कौन से टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में। ठीक है, लेटेक्स सेल्स या फिर लेटिफेरस सेल्स भी आप इन्हें वेसल्स भी आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है ऑफ द सर्टेन प्लांट्स वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज और लेटेक्स सेल्स इनको या लेटेक्स वेसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेटेक्स इनसे निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। वी हैव थैलेमस ऑफ हाइपोगाइनस ओवरी। हाइपोगाइनस ओवरी क्या होती है, जो सुपीरियर ओवरीज होती है ना, यानी कि ओवरी का जो आप बोल सकते हो इस तरह से होता है, ये रुको, ओवरी जो है हमारी वो ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये जैसे प्रेजेंट है सपोज, और यहाँ से आपके जो सारे और सारे एलिमेंट्स या बोल सकते हो स्टैमेंस वगैरह जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज दी हाइपोगाइनस ओवरी या फिर सुपीरियर ओवरी। तो ये जो ओवरी है इसका शेप कैसा है, हमारा कॉन्वेक्स शेप में है। ये जो शेप है ये स्वोलन आपको थोड़ा सा लग रहा है या फिर कॉन्वेक्स शेप आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एक्जेनिक कल्चर क्या होता है। एक्जेनिक कल्चर क्या होता है, बेसिकली प्योर कल्चर को कहते हैं। प्योर कल्चर यानी कि जिसमें किसी भी तरह का कोई भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होता है। जनरली हमको जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है लैब्स में, तो वहाँ पर हम ऐसा पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं ताकि किसी भी तरह से बाहर से कोई पैथोजन है, क्योंकि एयर में भी आपको पता है ना कि अलग अलग तरह के जर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे एसेप्टिक कंडीशंस जब हमें रखनी होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ऐसे कल्चर को क्या कहते हैं, एक्जेनिक कल्चर या फिर आप इसको प्योर कल्चर भी कह सकते हो। ठीक है, आंसर इज प्योर कल्चर विदाउट एनी कंटामिनेशन। ठीक है, देन वी हैव IPRs यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये रहते हैं प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स जो हम करवाते हैं या फिर कॉपीराइट कोई ले लेते हैं ना अपने नाम से, तो उस तरह से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप बोलते तो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। रेस्पिराइन इज अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सो रेस्पिराइन जो ड्रग है वो कहाँ से निकलता है, हमारा सर्पगंधा से। सर्पगंधा क्या है, राउल्फिया सर्पेंटाइन। ठीक है, सर्पेंटीना सॉरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज
क्यूरक्यूमिन, क्यूरक्यूमिन क्या है, एक तरह का आप बोल सकते हो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है ये टर्मेरिक में, टर्मेरिक जो पीला पीला प्रेजेंट होता है ना उसमें पिगमेंट, दैट इज द क्यूरक्यूमिन। और ये क्या होता है एंटीसेप्टिक भी, मतलब इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, वी हैव द टर्म लेप्टोम। लेप्टोम किस लिए यूज किया जाता है, ये क्या होते हैं फ्लोएम ही होते हैं एक तरह के, फ्लोएम में भी क्या है कुछ जो हमारे वेसल्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट वॉल्ड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं लेप्टोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज हु इज द फादर ऑफ इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी क्या होता है, देखो बॉटनी तो हमें पता है कि प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इथनोबॉटनी क्या है, जो भी हमारे प्रिमिटिव आप बोल सकते हो स्टोन एज में जो लोग प्रेजेंट थे या फिर जो पहले के लोग थे ना, वो अलग अलग तरह के आपके जो प्लांट्स हैं उनको यूज़ किया जाता था मेडिसिनल पर्पज़ के लिए या फिर अलग अलग पर्पजेज़ के लिए, सो उसको कहते हैं, उसकी जो पूरी स्टडी होती है उसको कहा जाता है इथनोबॉटनी, ठीक है। और इसके फादर कौन थे, रिचर्ड शुल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर आइसोलेटेड डाइजेस्टेड एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमेशा जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो कट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, कोई भी हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है तो उसको, या फिर न्यूक्लिक एसिड का जो फ्रेगमेंट है उसको कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया जाता है। सो कौन सी वाली एक टेक्निक है, ये है टेक्निक रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कट करते हैं, ठीक है, डीएनए को क्या है डिफरेंट जो अलग अलग सोर्सेज हमारे, हमने डीएनए कलेक्ट कर रखा है उसको कट करके उसको क्या करते हैं पूरा डाइजेस्ट करते हैं, फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। देन वी हैव क्वेश्चन इज इनिशियल कोडॉन, सो कोई भी जो हमारी प्रोसेस होती है आपकी ट्रांसलेशन की या फिर रीडिंग की, तो उसमें इनिशिएटर यूज़ किया जाता है, तो इनिशिएटर कोडॉन कौन कौन से होते हैं हमारे, EUG और GUG दोनों ही इनिशियल कोडॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू mRNA, तो देखिए पहले क्या होता है हमारा DNA से mRNA में बनता है, फिर mRNA से फाइनली प्रोटीन में चेंज होता है, तो DNA से mRNA जब बनता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और जब mRNA से प्रोटीन बनता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सेंट्रल डोगमा पे भी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, वी हैव द जीन दैट शफल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, सो एक जगह से दूसरी जगह पर ही जब जा रहा है तो फिर आप थोड़ा बहुत वैसे भी आइडिया लगा सकते हो कि जब एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है तो उसको क्या कहेंगे जो कूद रहे, दैट इज द जंपिंग जीन्स इनको कहा जाता है, ठीक है। सो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी आप इन्हें बोल सकते हो, जंपिंग जीन्स भी इनको कहा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर देते, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज अल्कोहलिक बिवरेजेस किस कैसे बनते हैं, जब यीस्ट के साथ फर्मेंटेशन किया जाता है तो उससे क्या है अल्कोहल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट सो डिफिकल्ट, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। वैसे जनरली जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के ही आपके क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें है नहीं, तो इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने को भी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज द ऑसमम सेंटम, यानी कि तुलसी का जो प्लांट है, तुलसी किस फैमिली को बिलोंग करती है, लेमिएसी फैमिली को ये बिलोंग करती है। सेक्युलेंट प्लांट्स जो होते हैं, सेक्युलेंट प्लांट्स जनरली कैसे, जो हमारे कैक्टस वगैरह टाइप के हो गए, जो अपने अंदर क्या है वाटर कंजर्व करके रखते हैं या रिजर्व करके रखते हैं, ये तो इनको कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्लांट्स जनरली कहाँ पर होंगे, जो भी हमारे एरिड एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर ऐसे प्लांट्स की ज़रूरत होती है, तो फिर इसमें आंसर क्या होगा, डेजर्ट एरियाज में जनरली ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन्स आर सेपरेटेड, सो दो डायमेंशनल यानी कि दो बार आपका बोल सकते हैं कि दो साइड से आपका क्या हो रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, और उसमें क्या होता है पहले तो आपके जो प्रोटीन हैं उनको उनके चार्ज के हिसाब से उनको सेपरेट किया जाएगा, फिर उसके बाद उनको मास के हिसाब से सेपरेट किया जाएगा, तो फर्स्ट बाय देयर पी आई वैल्यू हमारा क्या है जो चार्ज है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप इसे बोलोगे, ठीक है। अच्छा आधा ये कट रहे हैं,
जस्ट अ मिनट, हाँ आई होप अब पूरा विजिबल होगा, ठीक है। सो या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से पहले, यानी कि उसमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके बेसिस पे होगा, और फिर नेक्स्ट क्या है, मास के बेसिस पे उनका क्या होगा, सेपरेशन जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, वी हैव द प्लांट इंडिगो फोर इंडिगो फेरा टिंक्टोरा, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, डाई ऑब्टेन करने के लिए, ब्लू कलर की डाई निकालने के लिए हम यूज करते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये फैबेसी फैमिली को, यानी कि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटैनिक गार्डन, ये कहाँ पर लोकेटेड है, दिस इज़ बेसिकली लोकेटेड इन कैलकाता, या फिर आप कोलकाता भी बोल सकते हो, बेसिकली है तो वैसे हावड़ा के पास ना, हाँ हावड़ा में है, लेकिन उसको आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि हावड़ा तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो फिर उसके नियरेस्ट जो जगह है दैट इज़ द कोलकाता, वहाँ पर आपको मार्क करना था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट माइटोसिस, सो मियोसिस की जो हमारी प्रोसेस होती है जनरली कब होती है, जब हम गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माइटोसिस कहाँ होता है, जहाँ पर हाइट इंक्रीज होती है, फिर गिर्थ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेज वन, मियोसिस वन होता है, मियोसिस टू होता है, उसमें प्रोफेज वन होता है, वेयर इज माइटोसिस में सिर्फ एक ही माइटोसिस होता है, ठीक है। सो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो सिर्फ मियोसिस में होती है, दैट इज़ द साइनैप्सिस की प्रोसेस, और क्रॉसिंग ओवर भी कहाँ होती है हमारी, सिर्फ मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, वी हैव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये किसने बताया था कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो सेमी कंजर्वेटिव मोड, यानी कि एक जो स्ट्रैंड होगा वो डीएनए का ही रहेगा, दूसरा वाला जो नया बनेगा, ये किसने बताया था, ये मिसेलसन और स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करा था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, वी हैव सेंट्रल डोगमा, जो मैंने अभी आपको बताया था सेंट्रल डोगमा का क्वेश्चन था, यानी कि पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, पहले हमारा डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लियर एक्सट्रैक्ट ऑफ पेक्टिन कंटेनिंग द फ्रूट, सो फ्रूट में आप पेक्टिन से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो हम कभी भी पेक्टिन की बात कब करते हैं, जब हम गुआवा की बात कर रहे होते हैं कि गुआवा में पेक्टिन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए है ये मोस्ट सूटेबल है फॉर जेली मेकिंग, ठीक है। तो वहाँ से आप ये कोरिलेट कर सकते हो कि पेक्टिन किसके रिलेशन में हमने पढ़ा था, जेली के रिलेशन में, ठीक है। सो यहाँ पर भी आंसर आपका क्या है, जेली है। नेक्स्ट इज क्विकेस्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग योर लॉन, सो लॉन में क्या ग्रो करते हैं, हम ग्रास ग्रो करते हैं, ग्रास ग्रो करने के लिए या तो आप वहाँ पर ग्रासेस लगाओ बीच बीच में, ठीक है, वहाँ पर स्लिप्स आप लगा सकते हो उनके, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, टर्फिंग का मेथड करोगे जो सबसे फास्टेस्ट होता है। टर्फिंग में क्या होता है, हम छोटे छोटे पीसेस लेते हैं ग्रास के ही, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं एक मैट टाइप की होती है, छोटी छोटी मैट्स होती हैं, उनको बीच बीच में लगा दिया जाता है और फिर ये क्या करते हैं, आगे प्रोपगेट करते हैं, तो जल्दी इसमें इससे क्या होता है, बहुत जल्दी आपका पूरा जो लॉन है उसमें ग्रासेस जल्दी फैल जाती हैं, तो फास्टेस्ट मेथड जो है आपका टर्फिंग का ही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, वी हैव क्वेश्चन नंबर 53 इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड, सो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस कौन सी है, आपकी सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन मैं कुछ दिन पहले ही लेके आई थी, तो फिर मुझे पता है कि अराउंड 300 to 350 rupees का था 1 gram, ठीक है। सो इसीलिए सैफ्रॉन बहुत महंगा होता है, क्यों महंगा होता है, क्योंकि ये बेसिकली है स्टिग्मा है, और जब इसका कल्टीवेशन किया जाता है बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसके कल्टीवेशन में और उसके हार्वेस्टिंग में, क्योंकि आपको हार्वेस्टिंग क्या करना है, उसका जो छोटे छोटे स्टिग्मास हैं उन्हीं को निकालना है, और वो बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं फ्लावर्स से, है ना, और होता भी ये बिल्कुल टेम्परेट एरियाज, जो ऐसे ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, वहाँ पर होता है, इसीलिए ये क्या है, इसका रेट भी बहुत हाई है, और आंसर इसका क्या होगा, सैफ्रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, वी हैव द एरोमेटिक प्लांट यूज टू प्रोवाइड डेलिकेट फ्रेग्रेंस, यानी कि देखो एरोमेटिक प्लांट से तो फ्रेग्रेंस निकलती ही है, पर इसमें क्या कर रहे हैं, डेलिकेट फ्रेग्रेंस निकाल रहे हैं, एंड फ्लोरल डेकोरेशन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, सो आंसर फॉर दिस इज
पतचौली, ठीक है, जो सिट्रोनेला और लेमन ग्रास है उससे भी वैसे बहुत अच्छी आप बोल सकते हो कि सेंट बनाने के लिए वो भी यूज़ किया जाता है, और साथ में कुछ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, वी हैव विच फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? वी हैव बेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि विटामिन सी कौन से वाले फ्रूट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिनमें लेस देन 12 आवर्स की सनलाइट चाहिए होती है, लॉन्ग डे प्लांट्स होती है जिनमें मोर देन 12 आवर्स की सनलाइट चाहिए होती है, फिर आते हैं हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स जिनमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, यानी कि जब भी मतलब लॉन्ग डे कंडीशन में भी ये फ्लावर करेंगे, शॉर्ट डे कंडीशन में भी फ्लावर करेंगे, तो सबसे अच्छे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? टोमेटो है। इसके अलावा कौन कौन से हैं हमारे एग्जाम्पल्स? वी हैव डेंडेलॉन, सनफ्लावर होता है, ठीक है। सनफ्लावर आप मेजरली बोल सकते हो कि सनफ्लावर में क्या है, हमें हीलियोट्रोपिज्म वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है, यानी जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ वहाँ वो उसका जो मूवमेंट होता है वो होता है, लेकिन वो फिर भी क्या है, एक डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा क्यूक्यूम्बर और कॉटन भी हमारा डे न्यूट्रल प्लांट है। नेक्स्ट इज द क्रॉप्स ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप, यानी कि ऐसी कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो मेन क्रॉप की हमें यील्ड इंक्रीज करनी है तो हम ग्रो करते हैं, ऐसी क्रॉप्स को हम कहा जाता है ऑगमेंट क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हॉर्टिकल्चर से ही है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? प्री कूलिंग क्यों की जाती है? प्री कूलिंग क्या में क्या करते हैं? जो भी हमारा फील्ड है, फील्ड की जो हीट होती है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। रिमूव क्यों किया जाता है? ताकि फील्ड से अगर कोई भी पेस्ट वगैरह है तो वो उसमें किल हो जाए या फिर वो रिमूव हो जाए, तो उनके लिए ताकि उसमें कंजीनियल एनवायरनमेंट ना बने तो हम क्या करते हैं, उसको कूलिंग की जाती है उसकी, ठीक है। सो प्री कूलिंग क्यों किया जाता है? फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, वी हैव क्वेश्चन नंबर 59 इज ज्यूडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू ऑब्टेन बेटर एंड क्वालिटेटिव यील्ड, यानी कि जो हमारा प्लांट है उसके हम कभी कभी क्या करते हैं, ब्रांचेस निकाल देते हैं, लीव्स निकाल देते हैं, तो ऐसा तो ट्रेनिंग में भी किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका शेप मेंटेन करना, लेकिन जो हमारी प्रूनिंग होती है, प्रूनिंग में क्या करते हैं हम, ताकि उसकी विगरोसिटी इंक्रीज हो या फिर उसके जो डिजीज पार्ट्स हैं वो हम रिमूव करते हैं, इसलिए प्रूनिंग की जाती है, ठीक है। सो ज्यूडिशियस रिमूव ऑफ प्लांट पार्ट हम किस में करेंगे? प्रूनिंग में जनरली करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस स्पीशीज। सो मोस्ट ऑफ द सिट्रस स्पीशीज जो हैं वो होती हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अभी मैंने जो आपको बताया था मैंगो में, सिट्रस में और जामुन में जनरली देखने को मिलती है, लेकिन कुछ स्पीशीज होती हैं सिट्रस की जिनमें मोनो एम्ब्रियोनी होती है। दो इसमें से मेजर क्या है हमारी? सिट्रस ग्रैंडिस और सिट्रस मेडिका जो हैं, ये मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस स्पीशीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, वी हैव सॉइल क्रस्टिंग। सॉइल क्रस्टिंग जनरली कहाँ पर प्रॉब्लम होती है? ये वर्टिसोल्स में, यानी कि जहाँ पर क्लेई सॉइल ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपक जाती है ना क्लेई सॉइल और फिर क्रैक्स वगैरह होने लगते हैं, तो सॉइल क्रस्टिंग की प्रॉब्लम उसमें होती है। इसके अलावा सेलाइन सॉइल में भी सॉइल क्रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, वी हैव इन्फ्लोरेसेंस टाइप प्रेजेंट इन कैश्यू क्रॉप। सो कैश्यू जो कैश्यू नट होता है उनमें किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है? दैट इज द पॉलीगैमो मोनोशियस। क्या होता है, यानी कि मोनोशियस तो आपको पता है कि एक ही प्लांट में दोनों तरह के जो आपके फ्लावर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। पॉलीगैमो मोनोशियस में क्या होगा, इसमें और आप बोल सकते हो अलग कंडीशन होती है, यानी कि आपके मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होंगे एक ही प्लांट में, ठीक है। मेल फ्लावर्स अलग होंगे, फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होंगे, और इसके अलावा हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स यानी कि बायसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरह के भी तीनों ही तरह के फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे कैश्यू नट में क्या होता है, पेनिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 63 इज एरोमा ऑफ अनियन. सो अनियन में अरोमा बोली या फिर पंजेंसी बोली है, अरोमा तो इतनी अच्छी नहीं आती है, पंजेंसी आती है. ठीक है, सो पंजेंसी किस वजह से होती है? दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलाइल प्रोपाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड. और कभी अगर आपके पास ऑप्शन में आए कि सल्फर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो आप सल्फर वहाँ पर मार्क करना. ठीक है, बेसिकली सल्फर कंपाउंड की वजह से होती है जो कि है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64. वी हैव क्वेश्चन नंबर 64 इज अरेबियन जैस्मिन. सो अरेबियन जैस्मिन स्पीशीज का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज द जैस्मिनम सैमबैक. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, तो फिर आप इसको आगे बढ़ सकते हैं हम इसमें. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65. वी हैव क्वेश्चन 65 क्या है? डिसइंफेक्शन मेजर यूज्ड इन मैंगो. सो मैंगो में जनरली क्या है, फ्रूट फ्लाई का बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो इन्फेस्टेशन होता है, और भी इंसेक्ट्स का होता है. सो उन सब से बचाने के लिए और स्पेशली फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए क्या किया जाता है? वेपर हीट ट्रीटमेंट. वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी कि आप बोल सकते हो किस टाइप की स्टीम या फिर बहुत हाई टेम्परेचर की जो वेपर्स होती हैं उनसे मैंगो को पास थ्रू किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66. वी हैव टिलेज रिजल्ट्स इन. सो टिलेज में क्या करते हैं हम? जो सॉइल है उसका मैकेनिकल मैनिपुलेशन किया जाता है, और जब मैकेनिकल मैनिपुलेशन हम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर पोरोसिटी इंक्रीज होगी. पोरोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि बल्क डेंसिटी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं हम? वॉल्यूम लेते हैं ऑफ सॉइल सॉलिड्स अलॉन्ग विद वॉल्यूम ऑफ पोर्स. ठीक है, तो सॉइल पोर्स का जब बढ़ जाएगी, पोरोसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर हमारा जो बल्क डेंसिटी है उस पर क्या है, इनवर्स रिलेशन हुआ इसका. सो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से क्या होगा, बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67. वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मैच्योरिटी इंडेक्स इन कैबेज. सो कैबेज में हमारा जो कैबेज क्या होता है, पत्ता गोभी है ना, पत्ता गोभी में क्या होता है हमारा जो इकोनॉमिकल पार्ट होता है जो हम खाते हैं, दैट इज़ द हेड. और हेड में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो कितना कॉम्पैक्ट है. आप बाज़ार जाते हो कभी सब्जी लें तो हम पत्ता गोभी को कैसे जज करते हैं कि ये अच्छी वाली है ये बेकार वाली? जो कॉम्पैक्ट वाली होती है उसको जनरली लिया जाता है. ठीक है, जो आपकी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती है उसमें जनरली ऐसे सोचते हैं हम कि क्या इसके अंदर क्या है, इन्फेस्टेशन के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए जनरली वो प्रेफर नहीं की जाती. ठीक है, सो क्या है इसमें मैच्योरिटी इंडेक्स क्या होता है? सॉलिडिटी यानी कि सॉलिडिफिकेशन कितना हो चुका है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि मैच्योर हो गया है अब मार्केट के. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68. वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स क्या होता है? यू यानी कि ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस को हम कहते हैं कैरियन, है ना. सो जो न्यूक्लियस है वो जब ट्रूली फॉर्म्ड होता है यानी कि उसमें पूरी सी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ठीक से प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, उसके अलावा जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन जब प्रेजेंट होगी तो उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल. ऑप्शन क्या है इसमें? नॉट करेक्ट. सो डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. सो दिस ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत होगा, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69. वी हैव क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू एनिमल सेल्स. सो एनिमल सेल के बारे में क्या करेक्ट लाइन इसमें लिखी गई है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है? नहीं, सेल वॉल इसमें क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल वॉल ऑफ कोर्स इसमें सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है और फंगस में होती है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है? यस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ये तो सिर्फ हमारे किस में प्रेजेंट होता है, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, एनिमल सेल्स लैक वैक्यूल, ये भी करेक्ट है. तो सारे ही जो हमारे तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे. ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 170. वी हैव 70 आप बोल सकते हो. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. ये तो हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी की बुक में आई गेस ये ऑलरेडी दे रखा है, या उससे भी छोटी क्लास में शायद कुछ और स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा. तो ये गलत करने का तो कोई चांस नहीं है, है ना.
इसका आंसर बताना, वैसे ये तो आप खुद ही कर लोगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज स्ट्रोमा एंड ग्रैना मेम्ब्रेन्स। स्ट्रोमा और ग्रैना, ग्रैना कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे? ग्रैनाज या थैलोकॉइड्स, सारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो फिर ग्रैना की मेम्ब्रेन भी वहीं पर प्रेजेंट होगी। साथ में स्ट्रोमा क्या होता है? बेसिकली मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो बीच में, सो दैट इज द स्ट्रोमा। ठीक है, कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, वी हैव व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अफेक्टेड फर्स्ट अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन। सो वाटर स्ट्रेस कंडीशन यानी कि वाटर की जब कमी होगी, स्कैरसिटी होगी, तो सबसे पहले क्या हमारी चीज़ इफेक्ट होगी? दैट इज़ अ ट्रांसपिरेशन रेट। ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा? एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होने लगेंगे। जैसे ही प्लांट को पता चलता है कि यहाँ पर स्कैरसिटी होने लगी है, वाटर स्ट्रेस है हमारा प्लांट, तो वो क्या करता है? प्रोटीन रिलीज करता है। इसके साथ साथ ही जो स्टोमेटा है वो बंद होने लगते हैं। जब स्टोमेटा बंद होंगे, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो सबसे पहले इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, अलग अलग जो प्रोसेसेस हमारी वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होंगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इफ़ेक्ट होगी, है ना, इन द लॉन्ग रन। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की क्या होती है? -1 से लेके +1 तक की इसकी वैल्यू जनरली होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज 74, ब्रीडर सीड इज अ प्रोजेनी ऑफ। सो ब्रीडर सीड क्या है? पहले न्यूक्लियस सीड बनता है, फिर उसके बाद ब्रीडर सीड बनता है, फिर ब्रीडर सीड से हमारा फाउंडेशन सीड बनता है, और फिर आगे हमारा सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड सीड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, ज़्यादा छोटा हो गया। 75 क्वेश्चन में क्या है? Which of the following is considered as stratification treatment? So stratification का treatment क्या होता है? देखो, जो भी हमारी जो seeds हैं ना, उनमें scarification करते हैं, stratification करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो dormancy में चले जाएँ और उनको दोबारा से आप बोल सकते हो viable तो होती है, लेकिन dormancy break करने के लिए stratification करते हैं, scarification करते हैं। scarification में हम scratch करते हैं, जो उसका बाहर का seed coat है वो scratch किया जाता है। stratification में उसको बहुत लो टेम्परेचर से एक्सपोज किया जाता है ताकि वायबल बन जाए, ऐसी वायबल नहीं बोलूँगी मैं, क्या बोलते हैं उसको, डॉर्मेंसी जो है उसकी ब्रेक हो जाए। ठीक है, सो क्या किया जाता है इसमें? प्री चिलिंग यानी कि टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर से एक्सपोजर किया जाता है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल स्टडी यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से अपने एनवायरमेंट के जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उनसे इंटरैक्ट कर रहा है, ये जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, वेयर एज अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स का एक साथ पढ़ते हैं कि इनका क्या रिलेशन है विद द एनवायरनमेंट, तो उसको सिन इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, वी हैव द प्लांट्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पोनेंट ऑफ मैनग्रूव वेजिटेशन। सो मैनग्रूव वेजिटेशन यानी कि जो प्लांट्स मार्शी एरियाज में जनरली ग्रो करते हैं, है ना, उनके जो रूट्स होती हैं वो ऊपर को, आपने देखा होगा रूट्स ऊपर को ग्रो करती हैं अबव द सरफेस। सो वो उनमें क्या होता है? राइजोफोरा आप बोल सकते हो। राइजोफोरा क्या है? बेसिकली जीनस ऑफ मैनग्रूव ट्रीज है, जो जनरली मैनग्रूव जो इको सिस्टम है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या? वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय। सो सॉइल में जब वाटर का फ्लो हमें देखना होता है, सॉइल में क्या होते हैं, कैसे वाटर फ्लो करेगा, जो पोर्स होते हैं ना उसमें छोटे छोटे प्रेजेंट, उसके थ्रू जब वाटर जाएगा तो वो कैसे जाएगा, किस एरिया से किस एरिया में जा रहा है, वो कौन से हम लॉ से पढ़ते हैं? दैट इज़ द डार्सी लॉ हमें बताता है। ठीक है, इसमें हमें पता चलता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसा है, परमिएबिलिटी कितनी है मटेरियल की, कितनी पोरोसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्चुरेशन इन कैटल। सो पार्चुरेशन की प्रोसेस क्या होती है? यानी कि डिलीवरी जब होती है काफ की, या फिर आप बोल सकते हो जो पूरा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब पूरा आपका एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगी यानी कि डिलीवरी की प्रोसेस, कैटल में क्या कहा जाता है इसको? कैटल में काविंग कहा जाता है, क्योंकि काफ निकल रहा है तो काफ को निकलने को काविंग कहा जाता है। वेयर इज जो पिक्स है, पिक्स में इसको, यही जो प्रोसेस है इसको फैरोइंग कहा जाता है। ठीक है, सो दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके आ रखे थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज
रीजनरेशन ऑफ होल न्यू प्लांट, यानी कि पूरा एक प्लांट जब एक सेल से, किस वजह से होता है, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, टोटिपोटेंसी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक सेल से ही पूरा हमारा न्यू प्लांट बन सकता है। सो इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो, या फिर ऐसी जो ये कल्चर हम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सेल कल्चर बोल सकते हो, या फिर आप इसको मेरिस्टेम, जब हम मेरिस्टेम से लेते हैं अगर उसका टिश्यू और उससे प्रोड्यूस करते हैं तो उसको मेरिस्टेम कल्चर कहा जाता है, ठीक है, सेल कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, वी हैव द क्रॉस बिटवीन द सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड एन इनब्रीड, यानी कि हाइब्रिड कैसे बनता है, जब हम दो अलग अलग तरह के जो ट्रेड्स के पेरेंट्स हैं उनका जब क्रॉस करवाते हैं, सो उससे क्या बनेगा, एक हमारा F1 बन गया, ठीक है, F1 बनने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, किसी भी एक इनब्रीड से क्रॉस करवा रहे हैं। इनब्रीड क्या होती है, प्योर, जब कोई भी आप बोल सकते प्योर लाइन जब चल रही होती है तो उसमें इनब्रीडिंग हम बार बार जब करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्योर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। सो जब ऐसे में हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि पहले हाइब्रिड बना दिया हमने, हाइब्रिड से F1 प्रजनन के लिए उसका दोबारा से क्रॉस करवा दिया हमने किसके साथ, एक इनब्रीड के साथ, तो इसको क्या कहा जाता है, थ्री वे क्रॉसिंग इसको कहा जाता है, ठीक है, थ्री वे हाइब्रिड, क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, सो डिजीज कॉज्ड बाय वायरस कौन सा है आपका, बंची टॉप ऑफ बनाना, और अभी इफको के जो पेपर है उसमें आ रखा था कि जो वायरस से इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या बेसिक सिम्टम्स होते हैं वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स के, ठीक है। सो डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, दैट इज़ अ बंची टॉप ऑफ बनाना, और ये वायरस तो यही होता है, नाम भी इसका बंची टॉप वायरस ही है, लेकिन इसका जो आप बोल सकते हो वेक्टर है, वेक्टर इज बनाना एफिड, पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, फटाफट से करते हैं चलो इसको भी, पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज किस कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी सल्फर बेस्ड जो फंजीसाइड है उसका यूज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन इज मेनली यूज्ड इन स्टोरेज स्ट्रक्चर सीड गो डाउन्स, में आपने देखा होगा जनरली क्या किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है, क्योंकि बहुत अमाउंट में आपका ग्रेन प्रेजेंट होता है, सो वहाँ पर हर जगह पहुँचाने के लिए फ्यूम्स जनरली डाले जाते हैं, ठीक है, गैशियस फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ मेन ट्रांसमीटर ऑफ वायरसेस टू प्लांट, सो जनरली क्या होता है, आपके वाइट फ्लाइज हो गए, एफिड्स हो गए, प्लांट हॉपर्स, ये सारे ही आपके वायरस रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं उनमें एज ए वेक्टर काम करते हैं, बट मोस्टली अगर हम देखें तो एफिड ज़्यादा आपका करता है ये, ठीक है, इसके अलावा वाइट फ्लाई भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल स्टेप इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, सो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन क्या होता है, जहाँ पर हाई आपका कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में गैसेस का डिफ्यूजन होना, ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ एलिमेंट्स का आयंस का भी डिफ्यूजन होता है इस वजह से, ठीक है, वाटर का भी डिफ्यूजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल फर्टिलाइजर, न्यूट्रल फर्टिलाइजर यानी कि जिसका ना एसिडिक रेसिड्यू होगा ना आपका एल्कलाइन रेसिड्यू होगा, सो इसमें क्या आता है हमारा कैन, यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और इसको क्या कहा जाता है, किसान खाद भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, पोटेशियम इन म्यूरेट ऑफ पोटैश, यानी कि MOP जनरली जो यूज़ किया जाता है पोटेशियम प्रोवाइड करने के लिए एक फर्टिलाइज़र, ये आप बोल सकते हो इसका फॉर्मुलेशन क्या है, तो ये क्या होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड इसमें प्रेजेंट होता है म्यूरेट ऑफ पोटैश में, ठीक है। फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट इज स्पेसिफिक टू डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं उनको वापस से चेंज कर दिया जाता है किसमें, नाइट्रोजन गैस में, डाई नाइट्रोजन में, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड में, ठीक है, N2O में, ठीक है। सो इसमें क्या होगा आंसर, नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट इसमें एक वन ऑफ दी आप बोल सकते हो कॉम्पोनेंट है प्रेजेंट।
वारा लक्ष्मी किसका हाइब्रिड है? इंटर स्पेसिफिक ब्राइड हाइब्रिड है ये किसका? कॉटन का, ठीक है, कॉटन का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। कहाँ बनाया गया था ये? यूएस धारवाड़ में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, कॉन्टोर कल्टीवेशन। सो कॉन्टोर कल्टीवेशन क्या होता है? बेसिकली जो हमारा स्लोपी लैंड एरियाज होते हैं, जो भी हिली एरियाज होते हैं, सो हिली एरियाज में खेती कैसे करेंगे? या तो टेरेस फार्मिंग करो। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है? स्टेप वाइज स्टेप हम क्या बनाते हैं? फील्ड्स बनाते हैं। या तो वैसे करो, या तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लोप एरिया है, स्लोपी एरियाज है, उसी के जो कॉन्टोर्स होते हैं, कॉन्टोर्स क्या होते हैं, सेम एलिवेशन के जो अलग अलग आपके, ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये कोई स्लोपी एरिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अक्रॉस द स्लोप यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। पहले तो प्लोइंग की जाती है और फिर हम क्या करेंगे, अक्रॉस द स्लोप क्या करेंगे, यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली आर कॉन्टोर कल्टिवेशन। नेक्स्ट इज गोल्डन राइस। ये भी बहुत इजी से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में आपका, IBPS एफओ में भी आया था कुछ साल पहले। गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन ए का भी प्रीकर्सर प्रेजेंट होता है, दैट इज बीटा कैरोटीन, ठीक है, फिर बाद में जाके चेंज हो जाता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज अ मिलेट क्रॉप। इनमें से कौन सी मिलेट क्रॉप है? सो ये तो ईजी है आपके लिए, बाजरा होगा। बाजरा क्या है? पर्ल मिलेट है, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द मिलेट्स। अधसाली क्रॉप ऑफ शुगर केन। सो शुगर केन की अधसाली, एक साली होती है, एक साली यानी कि एक साल का जिसका ड्यूरेशन होता है 12 months का। दूसरी होती है हमारी अधसाली। अधसाली में क्या होता है? 1.5 year का, यानी कि 12 months हो गए प्लस 6 months और, यानी कि कितने हो गए टोटल? 18 months। 18 months का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। जनरली जो साउथ इंडिया का जो एरिया है वहाँ पर ये ग्रो किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव इंटरकल्टीवेशन ऑपरेशन। इंटरकल्टीवेशन ऑपरेशन में क्या क्या करते हैं हम? वीडिंग की प्रोसेस करते हैं, थिनिंग की प्रोसेस करते हैं। जितनी भी आपकी स्टैंडिंग क्रॉप में जितने भी कल्टीवेशन ऑपरेशंस किए जाते हैं वो हमारे किस में आते हैं? इंटरकल्टीवेशन ऑपरेशंस में किया जाता है। क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? मेन ऑब्जेक्टिव है इसका मेंटेन करना ऑप्टिमम प्लांट स्टैंड, यानी कि प्लांट का जो आप बोल सकते हो ऑप्टिमम कंडीशन है वो इसमें मेंटेन करना इनका बेसिकली काम है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम? वीडिंग भी करते हैं, रोगिंग भी करते हैं, थिनिंग भी करते हैं, तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके। मेन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है ना, आर मेंट फॉर, किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97, वी हैव द ब्लैक सॉइल इज यूज फॉर द कल्टीवेशन। सो ब्लैक सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जनरली जो हमारा कॉटन है वो कहाँ पर ग्रो किया जाता है? ब्लैक सॉइल वाला जो हमारा एरिया है ना, गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला, वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है इसका। देन वी हैव बोटैनिकल नेम ऑफ 6-row barley। 6-row barley का बोटैनिकल नेम क्या है? हॉडियम वल्गेर, ठीक है। और जो 2-row barley है उसका है हॉडियम डिस्टिकॉन। और जो इररेगुलर होती है, यानी कि उसमें पर्टिकुलर आपको रोज नहीं दिखाई देती है, उसको हम क्या करते हैं? हॉडियम इररेगुलर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, वी हैव डेपॉग मेथड ऑफ रेजिंग सीडलिंग। सो डेपॉग मेथड पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, ऐसा हमारा एक सीरीज़ चला था, उसमें डेपॉग मेथड की अलग से एक वीडियो बनी है। अगर आपको किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसमें तो आप वो वीडियो देख सकते हो। डेपॉग मेथड किस में यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है पैडी में, ठीक है। और इसके साथ ही SRI मेथड भी था। SRI मेथड कहाँ से आया था? मेडागास्कर से। डेपॉग मेथड कहाँ से आया था? फिलीपींस से, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 200, वी हैव ड्वार्फिंग जीन इन राइस। सो ड्वार्फिंग जीन इन राइस इज DGO-WU जीन, जो कि यूज़ किया गया था ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू वेराइटीज। और जो वीट है उसमें नॉरेंटिन जीन यूज़ किया गया था ड्वार्फ वीट्स को डेवलप करने के लिए। तो इसी के साथ हो गया है आपका ये जो पूरा पेपर है ये सॉल्व। अगर आपको ये चाहिए, इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी आपको, और कुछ दिनों में ही आपको इसका जो टेस्ट है वो भी अवेलेबल हो जाएगा हमारी साइट पे।
अब किसी भी तरह की आपको डाउट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कि किसी भी तरह की अगर आप हमें रीच करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे रीच कर सकते हो, और भी कोई आप चाहते हो कि हम एग्ज़ाम के बारे में आपको बताएं, किसी भी टॉपिक के बारे में आप चाहते हो जानना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।